स्टूडेंट और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज की जो कि लो रैंक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। अगर आपका रैंक WBJEE में उतना अच्छा नहीं आया इस बार और अगर आपने सोचा है कि वेस्ट बंगाल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दैट इज आपका फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसकी क्या कट ऑफ रहती है आखिर में? सर आप लो रैंक स्टूडेंट बोल रहे हो तो सर कितना रैंक तक ये मुझे मिल जाएगा, CSE IT कितने रैंक तक मिल जाएगा, ये करेंगे जी इस बात। प्लेसमेंट क्या है इस कॉलेज का, फीस स्ट्रक्चर क्या है इस कॉलेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इस कॉलेज का, तो सभी चीजों पे करेंगे इस वीडियो में बात। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल का कंटेंट जाके चेक करो फॉर WBJEE एस्पिरेंट। अभी ये चैनल बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। सो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो एंड तक देखना, उसके बाद वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को तो उससे बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन होता है हम लोगों को, तो प्लीज वीडियो को लाइक करोगे उससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ओके। सो चलिए वीडियो को प्रोसीड करेंगे और एक गूगल फॉर्म भी आपको नीचे दिखेगा, दो गूगल फॉर्म। काउंसलिंग कराना है उसका गूगल फॉर्म फिल कर लो, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, तो उसका भी गूगल फॉर्म फिल कर लो जी, नीचे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और ये आपका फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का फ्रंट बिल्डिंग, ठीक है। आप देख लो कौन कौन से पॉइंट पे सर बात करेंगे इस वीडियो पे, तो वो होगा आपका मोड ऑफ एडमिशन, वो होगा आपका कट ऑफ इन WBJEE, वो होगा आपका लोकेशन एंड मोड ऑफ ट्रैवलिंग की आखिर में इस कॉलेज में जाएंगे कैसे अपन, ठीक है। उसके बाद अपन फीस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी पे बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, फैकल्टी डिटेल्स, और फिर 10 की रेटिंग में से मैं 10 की रेटिंग मैं नहीं स्टूडेंट की रेटिंग लेकर आया हूं, ठीक है। और लास्ट में प्रोज और कॉन्स पे करेंगे जी बात, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, दैट इज मोड ऑफ एडमिशन की आखिर में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो एक आपका WBJEE एग्जाम होगा जिससे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक। एक JEE मेन एग्जाम होगा जिससे आप एडमिशन ले सकते हो, और एक मैनेजमेंट कोटा होगा जिससे आप एडमिशन ले सकते हो। गूगल फॉर्म जाके फिल कर देना इसमें या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। अच्छा एक और एग्जाम होता है जिलेट का एग्जाम, उससे हालांकि आपको लैटरल एंट्री मिलेगा, ठीक है, लैटरल एंट्री मिलेगा। बीटेक का 4 ईयर कोर्स करना है तो यही 3 मोड है आपका एडमिशन का, ठीक है, WBJEE, JEE मेन या मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कट ऑफ पे। कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों कट ऑफ इंपॉर्टेंट रहने वाला है? सो कट ऑफ की करें बात तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए ना, तो अगर आप 30 के रैंक के क्लोज हो, मतलब 30,000 रैंक के अगर आप आसपास हो, तो आपको CSE मिल जाएगा इस कॉलेज में। अब देख लो 29 के कट ऑफ गया इसका, ठीक। अच्छा TFW स्टूडेंट के लिए 13 के, मैं हमेशा से बोलता हूँ नियरली हाफ होता है, ठीक है, नियरली हाफ होता है, ठीक। सो TFW वाले देखते हैं ना, EC चाहिए तो 63 के रैंक चाहिए आपको, ठीक है। और अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए तो सर 40K के आसपास रैंक है तो IT मिल जाएगा इस कॉलेज में, ठीक है, 40K के आसपास आपको IT ये कॉलेज दिला देगा, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट कट ऑफ डेटा साइंस। अगर आपको कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइजेशन जैसे डेटा साइंस चाहिए तो 43K में मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 56K मिल जाएगा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 61K में मिल जाएगा, ओके। सो मान के चलो कि अगर 60K के आसपास रैंक है आपका तो इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। CSE IT लेके पढ़ना चाहते हो तो 40K के आसपास आपका रैंक रहेगा तो CSE और IT मिल जाएगा, ओके, CSE या फिर IT मिल जाएगा, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज लोकेशन एंड मोड ऑफ ट्रैवलिंग। तो कहां का कॉलेज है ये? आपका ये सोनरपुर स्टेशन रोड का कॉलेज है, मिशन पहली नरेंद्रपुर कोलकाता, ठीक है, मिशन पहली नरेंद्रपुर कोलकाता, कोलकाता में है सर ये कॉलेज, हाँ बिल्कुल, ठीक है, कोलकाता का ये कॉलेज है। सो कैसे जाएंगे सर इस कॉलेज में ये अगर आप बताएं तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, टेक मेट्रो एंड गेट डाउन एट कावी नजरूल मेट्रो स्टेशन, ठीक है, मेट्रो ट्रेन लेना पड़ेगा आपको और कावी नजरूल स्टेशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है, और वहां से आप फिर डायरेक्ट ऑटो कर सकते हो FIM के लिए या सोनरपुर बोल दीजिएगा ऑटो को, तो ऑटो वहां पे आपको छोड़ देगा, ठीक है। सो ये था मोड ऑफ ट्रेवलिंग और लोकेशन, वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना इसको कि क्या एड्रेस है और कैसे अपन जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज आपका फीस स्ट्रक्चर पे। तो फीस स्ट्रक्चर 4 साल का तो नहीं मिल पाया, बट अगर बात करें तो 1.14 लाख आपका फर्स्ट ईयर फी है, तो आप इससे गेस कर सकते हो कि नियरली 4 से 4.5 के बीच में इसका 4 साल का कोर्स फी होगा, 4 से 4.5 के बीच में, ठीक है, अगर 1.14 आपका फर्स्ट ईयर फी है तो, ठीक। MBA के लिए देख सकते हो, BBA, BSc, BCA, MHA और MSc के लिए आप फी स्ट्रक्चर यहां पे देख सकते हो जी, ठीक है। चलिए बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की। तो कोई हॉस्टल फैसिलिटी है नहीं इस कॉलेज में, कोई हॉस्टल फैसिलिटी अगर इस कॉलेज में नहीं है तो सर अपन रहेंगे कहां? रहने के लिए आपको यहां पे बोला है, मैंने यहां पे नीचे मेंशन कर दिया है, तो यहां पे मेंशन किया गया है कि इनके पास 2 एफिलिएटेड PG हैं लेकिन वो बाहर है,
ठीक है, कॉलेज के अंदर नहीं है, कॉलेज के बाहर है, दो एफिलिएटेड पीजी, ठीक है। और फूडिंग सिस्टम इनका एवरेज है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन एवरेज है, ठीक है। और बात करें तो आपको 4,500 से 10,000 के बीच में इनका पर मंथ आ जाता है, मतलब यार रूम के अकॉर्डिंग होगा ना, अगर आप अच्छा वाला रूम लेते हो, मे बी एसी वाला रूम लेते हो, तो 10,000 तक पर मंथ मिलेगा, या सीटर पे भी डिपेंड करता है, वन सीटर लेते हो, टू सीटर लेते हो या थ्री सीटर लेते हो, ठीक है। और एवरेज बात करें पर मंथ तो 5,000 आपका पड़ जाएगा फूड के साथ, फूड के साथ आपका 5,000 पड़ जाएगा, जो बाहर इनके पीजी अवेलेबल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर बात करें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो क्लासरूम्स इसके अच्छे हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर वाला क्लासरूम आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें अगर आउटडोर गेम्स की, तो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल सभी गेम्स अवेलेबल हैं, इंडोर गेम्स में चेस, बैडमिंटन, ये सभी चीजें अवेलेबल मिलेंगी इस फॉर, ठीक है। अच्छा भैया, कल्चरल फेस्ट का क्या नाम है इसका? कल्चरल प्लेस फेस्ट भी होता है जिसका फ्लाग्स नाम है, और टेक फेस्ट भी होता है जिसका फोनिक्स नाम है, ठीक है। सो कल्चरल फेस्ट भी मिलेगा, एनुअल फेस्ट, टेक फेस्ट भी मिलेगा, दोनों प्रकार के फेस्ट मिलेंगे, ठीक है। दो से तीन दिन के लिए फेस्ट होता है इनके यहाँ, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो बिल्कुल अवेलेबल है, जिम, ऑडिटोरियम, कैफे, कैंटीन, हर एक चीज जो कॉलेज में होनी चाहिए इसके अंदर भी मिलेगा आपको, ठीक है। कैंपस वाईफाई कनेक्शन मिलेगा आपको, लाइब्रेरी भी मिल जाएगा इसके अंदर, और क्लब्स वगैरह भी इसके अंदर मिलेंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो हर कॉलेज में होता ही होता है, ठीक है। अब बात करें अगर नेक्स्ट, तो नीचे जो हाईलाइट करके लिखता हूं ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन पॉइंट होता है, ठीक। कैंपस साइज 5 एकड़ का कैंपस है, मतलब थोड़ा सा छोटा कैंपस है, ठीक। ईएसटीडी की बात करूं तो 2002 का कॉलेज है, तो थोड़ा पुराना तो आप मान सकते हो, पुराना कॉलेज है, 20 साल पुराना तो हो ही गया कॉलेज को, ठीक है। एफिलिएशन इसको मकाउट से मिल जाएगा, और अप्रूवल AICTE से मिल जाएगा जी, ठीक है। सो ये बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ पिक्चर्स मैं लेकर आया हूं कॉलेज का, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। सो ये स्पोर्ट्स यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये बिल्डिंग देख सकते हो, FIET का ये बिल्डिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, ये आपका बिल्डिंग का ये फ्रंट जो है व्यू वो हो जाएगा आपका। यहाँ पे बात करूं तो ये लाइब्रेरी है, देख सकते हो, नहीं लाइब्रेरी नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पे कैंटीन है ये, ओके। सो यहाँ पे ये बात करते हैं, ये ऑडिटोरियम हो जाएगा आपका यहाँ पे, सो या फिर ये क्लासरूम, मुझे नहीं पता चल रहा है क्या है यहाँ पे, ठीक है। सो ये अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, दैट इज प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ओके। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो एवरेज CTC 4 लाख पर एनएम है इसका, एवरेज 4 लाख पर एनएम है, ठीक। हाईएस्ट की बात करूं तो 13.4 LPA है, तो हाईएस्ट भी ठीक है, लो रैंक स्टूडेंट वाले के लिए तो बहुत अच्छा कॉलेज है यार, 4 लाख का एवरेज दे रहा है आपको CSE IT, ठीक है, 4 लाख एवरेज दे रहा है। और परसेंटेज बच्चों देखो ना, तो 83.7% बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं इसमें से, ठीक है, 83.7% बच्चे CSIT और इसी के प्लेस्ड हो रहे हैं, तो लो रैंक स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा कॉलेज, मैंने शुरू में ही बताया इसको, ठीक है। तो अगर आपका लो रैंक है तो इस कॉलेज को अपने लिस्ट में जरूर रखना, ठीक। 30-40% कोर का हालत यहां भी खराब है, कौन कौन सी कंपनी आती है मैं पढ़ूंगा नहीं, तो वीडियो और लेंदी हो जाएगा, पॉज करके आप देख लो। मेजर कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, IDBI हो गया यहाँ पे, या फिर एक और कोई Capgemini हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार सीमेंट हो गया, ठीक। सो ये आप कंपनी, टाइम्स इंडिया हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सभी कंपनी यहाँ पे आती है, ठीक है। सो ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। एक ग्राफ है जो कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड को दिखाता है। सो 2011 में क्या प्लेसमेंट था, 483 स्टूडेंट थे जिसमें से 451 प्लेस्ड हो गए। सो इस ग्राफ को भी आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना, ठीक है, ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड का ग्राफ है, ठीक। अच्छा, दो पॉइंट इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि 2011 एक ऐसा ईयर था जहां 93% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे इसके, ठीक। उसके बाद जो परसेंटेज रेशियो 83.7, 64.9, कभी 64.9 में गया, ठीक है, 77.6, 83.7, तो ओवरऑल मान सकते हो कि अभी जो करंट ईयर चल रहा है इसमें ये कॉलेज इंप्रूव हुआ है। देखो 64.9, 77.6 से 83.7 जंप कर गया, ठीक है। सुधार हुआ है इस कॉलेज में, इंप्रूव किया है प्लेसमेंट के मामले में। फैकल्टी डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, एमटेक किए हुए फैकल्टी, पीएचडी किए हुए एमटेक, पीएचडी, पीएचडी किए हुए फैकल्टी यहाँ पे है, ठीक है। सो फैकल्टी भी अच्छे हैं इसके। अब बात करते हैं रेटिंग की। तो रेटिंग की बात करें तो 10 में एकेडमी में यहाँ पे 8.1 मिला है, एकोमोडेशन 7 मिला हुआ है, और बात करें अगर तो फैकल्टी 8.1 यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का उतना से नहीं है, फिर भी रेटिंग 7.7 है इसकी। प्लेसमेंट सही हो रहा है, इस कॉलेज का प्लेसमेंट इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। सोशल लाइफ की बात करें तो 7.9 की रेटिंग है इसकी, ठीक है। सो चलिए बात करें लास्ट में प्रोस और कॉन्स के। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा कि अगर आपको काउंसलिंग हम लोगों के थ्रू करवाना है, काउंसलिंग का डेट बहुत जल्द आने वाला है, और काउंसलिंग हम लोगों के थ्रू करवाना चाहते हो तो कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा काउंसलिंग में। प्राइस सिर्फ 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपीज,
सिर्फ 200 रुपीज प्राइस में आपको एडमिशन तक पूरा गाइड मिलेगा। चॉइस फिलिंग की गाइडेंस हो या किसी भी प्रकार की अगर आपके मन में क्वेरी है तो पर्सनल ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा व्हाट्सएप के, जहां आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो एडमिशन रिलेटेड या WBJEE के काउंसलिंग रिलेटेड। ठीक है, सो चलिए प्रोज और कॉन्स पे बात कर लेते हैं। कॉलेज कोलकाता में सबसे अच्छा प्रॉन्स की अच्छी जगह पे कॉलेज है, लोकेशन सही है कॉलेज का। ठीक है, पास्ट ईयर में प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा हुआ, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, और लो रैंक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको। ठीक है, और फी की बात करें तो अदर प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करें तो इसका फी कम है। अदर प्राइवेट कॉलेज कहां के? अदर स्टेट के। ठीक है, तो फी कम मिलेगा आपको। कॉन्स की बात कर लेते हैं तो कॉलेज का कैंपस साइज और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही नहीं है, कॉलेज का कैंपस साइज उतना बड़ा नहीं है, कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट उतना सही नहीं। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि हॉस्टल नॉट अवेलेबल, हॉस्टल नहीं अवेलेबल है, तो ये भी कौन सी है। ठीक है, और कॉलेज एनवायरमेंट फॉर स्टडीज फूडिंग उतना अप टू दी मार्क नहीं है, क्योंकि 30,000-40,000 वाले बच्चे अगर जा रहे हैं तो एनवायरमेंट आपको उतना सही स्टैंडर्ड का नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट मैं रखता हूँ। ठीक है, सो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्लीज लाइक करके जाना यार। ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए चाहे इस कॉलेज में या वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नीचे गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।